Hello everyone how are you all i hope that you all are fine so in the last video we have started the topic food right and we have discussed that why we need food so can you tell me that why we need food yes we need food because it helps us to grow it keeps us healthy and it gives us lots of energy right so after this what we have discussed we have discussed about sources of food in this what we have discussed that food comes from plants and animals so can you tell me some plant products right rice wheat and some animal products eggs milk etc right so today we are going forward and we are going to discuss about types of food so three different types of food are energy giving food बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड ओके सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनर्जी गिविंग फूड एनर्जी गिविंग फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले अब हमें खेलने के लिए पढ़ने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए तो वो कौन देता है हमें एनर्जी गिविंग फूड सम एग्जांपल्स आर राइस व्हीट पोटैटोज़ ऑयल वाटर तो ये सब फूड हमें क्या देते हैं एनर्जी राइट नाउ सेकेंड इज़ बॉडी बिल्डिंग फूड बॉडी बिल्डिंग फूड हेल्प्स आस टू ग्रो वेल एंड बिल्ड आर मसल्स तो ये हमें ग्रो करने में हमारी मदद करते हैं यानि कि हमारे बढ़ने में हमारी मदद करते हैं सम एग्जाम्पल्स आर मीट एग मिल्क नट्स चीज़ यानी कि पनीर तो ये सब क्या है बॉडी बिल्डिंग फूड नाउ थर्ड इज़ प्रोटेक्टिव फूड प्रोटेक्टिव फूड प्रोटेक्ट आस फ्रॉम फॉलिंग इल अब हम बीमार ना हो इसी के लिए भी तो हमें खाने की ज़रूरत है ना तो प्रोटेक्टिव फूड हमें बीमार होने से बचाता है एंड सम एग्जाम्पल्स आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स राइट लाइक कैरेट एप्पल एट्सेट्रा हम स्वस्थ रहें इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा बैलेंस डाइट लें बैलेंस डाइट का मतलब है कि तीनों तरीके का खाना प्रोटेक्टिव बॉडी बिल्डिंग और एनर्जी गिविंग फूड बराबर बराबर मात्रा में लेने की कोशिश करें कोई ज़्यादा या कोई कम ना खाएं। नाव हेल्दी ईटिंग हैबिट्स सम ऑफ द गुड फूड हैबिट्स आर ईट फूड एट प्रॉपर मील टाइम्स यानी कि मील सही मील टाइम के समय ही खाना खाएं। देन वॉश योर हैंड्स एंड माउथ बिफोर एंड आफ्टर मील्स खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ और मुंह साफ़ रखें देन चीव योर फूड वेल एंड ईट स्लोली खाना अच्छे से चबा चबा कर और धीरे धीरे खाएं ईट फ्रेश फूड टू स्टे हेल्दी हमेशा ताजा खाना खाने की कोशिश करें डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड हमेशा ढका हुआ ही खाना खाएं द अनकवर्ड फूड कैन कंटेन जर्म्स क्योंकि अगर आप खाने को नहीं ढकेंगे तो हो सकता है कि उसमें कुछ जर्म्स लग जाए राइट right? इसीलिए हमेशा ढका हुआ खाना ही खाएं। देन ईट वेल कुक्ड फूड यानी कि अच्छे से पका हुआ खाना खाएं। नाउ डोंट ईट जंक फूड आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जंक फूड जैसे बर्गर पिज्ज़ा एटसेट्रा कम से कम लें उसके बाद आपको प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए यानि कि आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए थैंक यू